हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। हाँ, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था अबाउट बाइनरी ऑपरेशन, तो वो एक बार देख लेना। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके सारे ही एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज में कवर हो जा रहे हैं, तो पहले एक बार उसको देख लो और फिर हम यहाँ से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ये स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करो। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, जब ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो गिव जस्टिफिकेशन फॉर आंसर। आपका जो आंसर है उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, तो कुछ इस तरह से है कि ऑन जेड प्लस, देखो जेड प्लस का मतलब क्या होता है हमें पता है कि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बराबर। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है वो क्या डिनोट करता है, सब्ट्रैक्शन डिनोट करता है। तो अब हमें ये डिफाइन करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो उसके लिए पहले आपको देख लो कि ये फंक्शन बन रहा है कि नहीं। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि ये इसके जेड प्लस में आना चाहिए इसकी सारी वैल्यू। तो देख लेते हैं, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सॉल्यूशन यहाँ से सरल, इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों, इमेज ऑफ 1, 2, मतलब क्यों। देखो 1 स्टार 2 का मतलब क्या होता है, अगर ए स्टार बी है तो ए माइनस बी लिखना है, तो 1 स्टार बी में लिखूंगा तो ए 1 माइनस 2 होगा, तो उसका आंसर माइनस होना रहा है जो जेड प्लस में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि आपके ए और बी कहाँ से है। देखो यहाँ पे ए और बी मतलब 1 एंड 2 तो है वो दैट बिलोंग्स टू जेड प्लस, बराबर। तो ये प्रॉब्लम है कि जब 1 और 2 के बीच में आप ये ऑपरेशन लगाओगे 1 ऑपरेशन 2 दैट विल बी -1, और वो अपने यहाँ पे जेड प्लस में डिफाइन होने के लिए बोला है जो नहीं हो रहा है, सो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय एस ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी, ओके। तो वी कैन सी दैट फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। देखो जेड प्लस में सारे कैसे नंबर होंगे, नंबर जो होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, बराबर, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी, तो जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो क्या मिलने वाला है हमें, पॉजिटिव ही मिलेगा। सो देयर इज अ यूनिक एलिमेंट ए इंटू बी इन जेड प्लस, कोई भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आने वाला है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा कहाँ पे मिलेगा हमें, जेड प्लस में मिलेगा। सो ऑपरेशन स्टार, ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सिंपल। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए ऑपरेशन बी, या तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, बराबर। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि वी कैन सी दैट फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देयर इज अ यूनिक एलिमेंट ए इंटू बी स्टार बी स्क्वायर इन आर, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो। सपोज हम 2, 3 ले रहे हैं, 2 एंड 3, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, और उसके बीच में ये स्टार ऑपरेशन रन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18, बराबर। ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो, हर एक के लिए आपको क्या आंसर जो मिलेगा यूनिक ही मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 3 था, मैं ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, जब ए स्टार बी करोगे आप तो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 दैट इज 3। तो हर एक ऑपरेशन के लिए यूनिक एलिमेंट मिलेगा और वो आर में मिलेगा आपको। तो यहाँ भी हम बता सकते हैं कि सो ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो कुछ इस ऐसा है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन
ऑपरेशन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। अब जेड प्लस में ऑपरेशन डिफाइन है, तो यहाँ से डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वी कैन सी दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस में ए कॉमा बी कोई भी ले लो आप, दैट इज़ अ यूनिक एलिमेंट इन मोड ऑफ ए माइनस बी इन जेड प्लस, क्योंकि ए माइनस बी का आंसर जो भी होगा उसके आगे हमने मोड लगाया है, तो उसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। सो ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन ऑपरेशन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब मतलब कि ए ऑपरेशन बी का आंसर क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। तो वी कैन सी दैट फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस दैर इज़ अ यूनिक एलिमेंट इन जेड प्लस, सो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये यहाँ पे बहुत सी सिंपल सा, आप ए और बी की कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज ए मैंने 2,3 लिया, तो 2 ऑपरेशन 3 का आंसर क्या आएगा, 2। जो ए की वैल्यू होगी वही मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, बी यहाँ पे मतलब ऑपरेशन की वैल्यू वही मिलेगी हमें 2,3 करेंगे, तो 2 ऑपरेशन 3 का आंसर 2 आएगा, 1 ऑपरेशन 2 का आंसर 1 आएगा, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वही ऑपरेशन की वैल्यू होगी, तो हर एक के लिए आपको यूनिक इमेज मिल जाएगी, एंड दैट्स वाई ये जो ऑपरेशन है इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज़ अ बाइनरी कम्यूटेटिव और असोसिएटिव। आपको तीन चीज़ें देखनी है, पहला तो बाइनरी है कि नहीं वो, फिर कम्यूटेटिव है कि नहीं वो, और असोसिएटिव है कि नहीं वो। तो अगर ये कम्यूटेटिव असोसिएटिव वाली चीज़ नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करना आपको, बाइनरी वाला जो वीडियो है थियोरी वाला वो देख लो, उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, सो देखो, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ऑन जेड डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन है वो कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, जेड में। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू ए और बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी का आंसर किस में आएगा, इंटीजर ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपका ए और बी भी क्या है, इंटीजर। तो स्टार जो है वो बाइनरी तो हो गया। अब बाइनरी हो गया तो उसके बाद कम्यूटेटिव देखना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी का आंसर अगर बी स्टार ए से मैच हो रहा है तो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं हो रहा है तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो वही हमें, तो उसको ही हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे। और असोसिएटिव के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे अगर पहले इनका ऑपरेशन अगर इससे मैच हो जाता है विथ दिस ऑपरेशन, तो दिस इज असोसिएटिव, और एल्स ये नहीं है, बराबर। तो देखो, वी कैन सी दैट ए स्टार बी मतलब कि 1 स्टार 2, 1 ऑपरेशन 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस 2, क्योंकि ए माइनस बी है, तो 1 माइनस 2 इज़ -1, और 2 ऑपरेशन 1 का मतलब है 2 माइनस 1, दैट इज़ 1। तो ये दोनों बिल्कुल ही सेम नहीं है, मतलब 1 ऑपरेशन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1 फॉर ऑल 1, 2, 1, 2 बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, ऑल्सो वी कैन सी दैट ए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर अगला है तो 1 ऑपरेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 ऑपरेशन 3 एज इट इज़ है, 1 माइनस 2 इज़ -1 ऑपरेशन 3 एज इट इज़ है। फिर 1 -1 ऑपरेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, -1 -3 इज इक्वल टू -4। अब इसका आंसर निकालो, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, बट इसमें 2 ऑपरेशन 3 को पहले सिंप्लीफाई करना है, तो 2 ऑपरेशन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 3, बराबर। तो ये हो गया -1, तो 1 ऑपरेशन -1 दैट इज़ 1 -1 दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब ये 2 हो गया, तो इट इज़ नॉट असोसिएटिव। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले थियोरी वाला वीडियो देख लो, या इसको पॉज करके आराम से देखो, तो इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू गाइस। गाइस थैंक यू।